अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 11 क्लास का स्टार्ट किया हुआ है। टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो डिटेल्ड पढ़ चुके हैं और अब हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी एनर्जी एसोसिएटिव विद अ मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने यहां पर वॉक कर रहा हूं, ठीक हो गया, तो मैं क्या होगा, मेरे अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी स्टोर, क्योंकि मेरा मास है और साथ में वेलोसिटी, किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको समझ आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखें, कोई भी रोटेट होने वाला बॉडी, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके पास एक सर्कल ले लिया, एक मैस लिया है, मैस को मैंने कह दिया दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल एम आई, कोई भी मैस है उसका, देखिए एक्सिस के हिसाब से गोलदारा सर्कल के अंदर मूव करना, रोटेट करना, उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होगी दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल कंसीडर, हमने क्या किया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने क्या किया, एक पार्टिकल को कंसीडर कर लिया जिसका मास m1 है, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कंसीडर अ सिंगल पीस ऑफ मास mi, सिंगल पीस ऑफ मास mi एट अ डिस्टेंस आर आई फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूविंग इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर जब रोटेट मूविंग रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक बॉडी लिया है जो कि क्या है, ये देखिए एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब ये क्या कर रहा है, ये देखिए अगर इसको मैं मूव कराऊं तो ये देखिए ये मूव कर रहा है, साथ रोटेट भी हो रहा है और साथ मूव भी कर रहा है, ठीक है। और अपने एक्सिस के दौरान ये देख लें, इसका एक्सिस फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अगर आप ड्रॉ करके दिखा दूं, देखिए ये इसका सेंटर बनेगा और ये इसका क्या है, एक्सिस है, जिसको हमने आर आई का नाम दिया, ठीक हो गया। ये जब मूव करेगा इसके साथ अब जो एनर्जी एसोसिएट होगी दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो होप करते हैं आपको समझ आ गई होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन की, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे एक एग्जाम्पल से, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल से उसकी हम क्या कहते हैं, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और ये फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका सिंपल बहुत इजी फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, वो क्या होता है जी, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक हो गया सर। अब चलें, v क्या है, v हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात की है, तो एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से v का जो फार्मूला होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक हो गया। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 mr² ओमेगा², ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए एम आर स्केयर, ये क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर, तो इसकी जगह आई पुट कर दें तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, देखिए एम आर स्केयर की जगह मैं क्या करेंगे, आई पुट करने लगा, आई ओमेगा स्केयर, ठीक हो गया सर। ये देख लें आप, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपने फॉर्मूला यूज करना है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्पल के अंदर जी। डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। देखिए मैंने क्या किया है, एक रोलिंग डाउन ले लिया इंक्लाइन फॉर्म में, यहां से मैंने क्या किया, एक हुप लिया है और एक डिस्क लिया। देखिए हुप और डिस्क में फर्क देख लें, हुप इस तरह की होती है कि जिसमें जो होता है ना होल होता है, मतलब दरमियान में से खाली होगी, उसको हुप कहते हैं। और डिस्क क्या है, डिस्क जो होती है वो रोलिंग डाउन होती है, ठीक है, सर्कल टाइप होती है, लेकिन उसके दरमियान क्या होता है, ये फिल भरा होता है, ठीक हो गया। ये दो डिफरेंस है डिस्क और हुप में, ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल क्या है कि ये क्या कर रहा है, रोटेट होके नीचे आ रहा है। अब देखिए रोटेट भी कर रहा है और साथ मूव भी कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी इन्वॉल्व होगी और क्या होगी, ट्रांसलेशनल भी इन्वॉल्व होगी, ठीक हो गया। तो यहां पर हमने दो कंसीडर कर लिए, कंसीडर किया हुप एंड डिस्क,
दैट इज मूविंग इनक्लाइन मूव कर रहा है, ठीक हो गया सर। टॉप से उसने क्या करना है, इधर बॉटम पे आना है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, तो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है एट द टॉप इज इक्वल टू बराबर होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज बॉटम। देखिए ये एक मूव कर करके बॉटम पे आएगा, प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे उसकी ट्रांसलेटरी कनेक्शन पे कितना वो मूव करके आए हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए मैंने यहां डिस्क और हुप की अलग-अलग वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क की। देखिए डिस्क क्या है, ये का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हमने स्टडी किया, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर आई की वैल्यू, आई क्या है, दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की वैल्यू बताई थी, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एम आर स्क्वायर। इस वैल्यू किसके अंदर पुट कर दें, पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 इनटू एम वी स्क्वायर। कैसे आ जाएगा वैल्यू, सिंपल है, देखिए आर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला होता है, तो ये आपने पुट कर दिया, तो यहां पर 1/4 एम वी स्क्वायर। ये क्या आ गया, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल आई। अब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे जो हमने ऊपर लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम वी स्क्वायर, पुट कर दिया एम जी एच। ये देखिए m इस m से कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमने v की वैल्यू निकाल ली है, इधर आके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो गया, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। ये डिस्क कितनी वेलोसिटी से बॉटम पे, जब बॉटम पे आएगा उसकी इस बॉटम पे इस एंड पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं हुप की। अब हुप में क्या है, हुप में वही वाला फार्मूला हमने ले लिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या है एम आर स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर क्यों पुट किया, देखिए यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप की बात कर रहे हैं, तो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ठीक हो गया। वैल्यूज पुट कर दें तो 1/2 एम वी स्क्वायर बच जाएगा, देखिए क्या हो गया कि 1/2 है, ये आर स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर आ गया। सिंपली ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर पुट करेंगे, पुट किया तो 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, सिंपल हाफ हाफ एड होंगे, 1 प्लस देखिए 1/2 हाफ होता है प्लस 1/2 हाफ हो गया, तो ये 1 आ जाएगा, एम वी स्क्वायर आ गया, यहां से एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी की वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू स्केयर रूट जी एच, और दिस इज v इज इक्वल टू स्केयर रूट 4 जी एच डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड हुप। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।